भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मुझे लग रहा था मैं लेट हो गया हूं, आप लोगों से माफी मांगूंगा, 2 घंटे फ्लाइट डिले हो गई थी, उसके लिए विस्तारा की फ्लाइट 2 घंटे लेट हुई, इसलिए रतन टाटा जी की तरफ से आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं। एयरपोर्ट पे उतरा, हमारे मित्र और हमारे बड़े भाई दिनेश मेहता जी ने ड्राइवर को अपने घर की लोकेशन भेज दिया था, तो विले पार्ले आने की बजाय हम अंधेरी चले गए, तो 20 मिनट थोड़ा और लेट हो गया, 2 घंटे 20 मिनट हो गए। और 10 बजे मेरा सोने का टाइम होता है और अब 10:15 बज रहे हैं। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, 2023 का ये 100वां कार्यक्रम होने जा रहा है। ₹2022 के दिसंबर में जब हमने एक लोग न्यू ईयर पे कुछ लेते हैं ना रेजोल्यूशन, क्योंकि सिगरेट छोड़ेंगे, बीड़ी छोड़ेंगे, ये करेंगे, जिम करेंगे, खाना छोड़ेंगे, डाइटिंग करेंगे, हमने रेजोल्यूशन लिया था कि हम 2023 में 100 जिलों में जाएंगे, 100 जगह लोगों से सार्वजनिक संवाद करेंगे। लेकिन अभी तो नवंबर है और इसके बाद अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस बैंकॉक में है, फिर उसके बाद कलकत्ता है, धनबाद है, टोटल 110 हो जाएंगे 2023 में। अच्छा खासा इंजीनियर था, मारुति में नौकरी कर रहा था, सुकून की नौकरी थी, सुबह 9 बजे जाना, शाम को 5-5:30 बजे चले आना, सैटरडे शाम को बच्चों के साथ डिनर पे जाना, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन एकाएक ये वायरस आया, आप सब लोग भी 2 घंटे से ज्यादा बैठ चुके हैं, सिटिंग पावर 2 घंटे की होती है, तो आप लोगों की बैठने की क्षमता खत्म हो चुकी है। आप जितनी देर में बोलने वाला हूं वो बोनस बोलने वाला हूं, एक्स्ट्रा बोलने वाला हूं। कई बार हमसे लोग कहते हैं कि आप इतना मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, सैटरडे संडे आप बाहर रहते हैं, इस साल में 100 दिन बाहर रहा, अपने घर से बाहर रहा, किसी सैटरडे संडे को मैं अपने घर में रहा नहीं इस बार। तो मैं सोचता हूं कि क्या मैंने छत्रपति शिवाजी का 1% कार्य किया क्या? जो कार्य धर्म छत्रपति शिवाजी ने धर्म रक्षा के लिए किया था, क्या मैं उसका 1% कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? जो कार्य गुरु गोविंद सिंह ने किया धर्म रक्षा के लिए, क्या उसका मैं 1% कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? इसलिए जब किसी को ऐसा लगे कि धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा, एक बार छत्रपति शिवाजी के बारे में जरूर पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़िए, और जितनी सिख पंथ के हमारे गुरु हैं उनको पढ़िए, बंदा बहादुर सिंह को पढ़िए, एक के बाद एक जिस तरीके से हमारे भामाशाह जी को पढ़िए, उनका बहुत बड़ा योगदान था धर्म रक्षा में, वो नहीं होते शायद लड़ाई इतनी जीतना मुश्किल था। तो अगले 1 घंटे तक हम आपसे समस्याओं की भी कोई बात नहीं करेंगे, हम बीमारी की बात नहीं करेंगे, हम केवल दवा की बात करेंगे। सनातन वन के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं, दीपक भाई और प्रवीण भाई को धन्यवाद देता हूं, दिनेश मेहता जी को धन्यवाद देता हूं जो पूरे महाराष्ट्र में जब भी कहीं कार्यक्रम होता है वो साथ में रहते हैं और हमारा हर तरीके से मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। ये बात है कि अलग आज उन्होंने जो लोकेशन भेजी थी अपने घर वाली भेज दिया था। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता मिली 3 साल 300 लोगों ने,
मेहनत करके दिमाग लगा के संविधान बनाया। संविधान को अकेले बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं बनाया था, 300 लोग थे उसमें। 3 साल तक माथापच्ची किया और माथापच्ची करने के बाद उन्होंने प्रियम्बल में क्या कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उन्होंने अपना श्रेय नहीं लिया, संविधान किसके नाम पे बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सबके नाम पे। हम लोग ये तय कर रहे हैं कि हम एक सॉवरेन कंट्री बनाएंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी। स्वतंत्रता और संप्रभुता में अंतर होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता, कि भाई यहां पे जो शासन व्यवस्था होगी, शासन करने वाले भारत के लोग होंगे, हम स्वतंत्र हो गए, अंग्रेजों का राज नहीं रहा। लेकिन जो प्रियम्बल का पहला शब्द है सॉवरेन, दुर्भाग्यवश हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे, आज तक सॉवरेनिटी के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। संप्रभुता का मतलब क्या है? शिक्षा व्यवस्था आज भी हमारी गुलामी वाली, न्याय व्यवस्था हमारी गुलामी वाली, टैक्स व्यवस्था हमारी गुलामी वाली, पुलिस व्यवस्था हमारी गुलामी वाली, प्रशासनिक व्यवस्था हमारी गुलामी वाली। गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की कर व्यवस्था, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं भारत स्वतंत्र तो हो गया लेकिन संप्रभु आज तक नहीं हुआ। हम इंडिपेंडेंट तो हो गए लेकिन हम सॉवरेन आज तक नहीं हुए। हां स्वतंत्र हैं लेकिन गुलामी के नाम नहीं मिटे, गुलामी के निशान नहीं मिटे। और भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे वैसी दरिंदे आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले और गलियां हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यकों का धर्मांतरण अल्पसंख्यक करते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां समान अधिकार की मांग बहुसंख्यक कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इक्वल राइट की मांग माइनॉरिटी करते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग बहुसंख्यक करते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक के धार्मिक स्थानों पर सरकारों का कब्जा है, पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज के धार्मिक स्थानों पर सरकार का कब्जा है। हम बिल्कुल अलग हैं। मीठी मीठी बातें कुछ भी करते रहे लेकिन कड़वी सच्चाई जो आपको बता रहा हूं, और मैं जो भी बोलता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजे के पास जानबूझ के भेजा जाता है, वो भेजा जाता है। संविधान की शपथ लेने वाले क्या लेते हैं शपथ, कि हम सो एंड सो। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, पूरी निष्ठा के अनुसार कार्य करूंगा, अपनी पूरी जिम्मेदारी वहन करूंगा। और शपथ कौन कौन लेता है? सांसद, विधायक, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और संविधान की भाषा में ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। आप क्या है? जोर से बोलिए, पब्लिक। आप क्या है? पब्लिक। और सांसद, विधायक, मंत्री क्या है? पब्लिक। ये वास्तव में ऐसा चल रहा है क्या? ऐसा चल रहा है क्या कि आप पब्लिक हैं वो सर्वेंट है? ऐसा चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। समाधान क्या है? समाधान यह है कि सबसे पहले संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ना शुरू किया जाए। दुर्भाग्यवश इस भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ तो हुई, बहुत सारी छेड़छाड़ हुई। 1977 में इस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया गया और चोर दरवाजे से चेंज किया गया। संविधान के प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड था ही नहीं। और किसी भी संविधान के प्रियम्बल को चेंज करना मतलब संविधान के पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है। इमरजेंसी के दौरान बिना किसी डिस्कशन के मेजॉरिटी का यूज करते हुए वे भारत में एक सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया और
सोशलिस्ट सब जोड़ दिया गया, और सेकुलर जोड़ भी दिया तो सेकुलरिज्म को इंप्लीमेंट भी नहीं किया। एक तरफ सेकुलर जोड़ दिया, दूसरी तरफ मंदिरों पे कंट्रोल कर लिया। एक ये साथ नहीं चलता। एक तरफ सेकुलर जोड़ दिया, दूसरी तरफ पर्सनल लॉ को खत्म भी नहीं किया, यह भी एक साथ नहीं चलता। देश में या तो पर्सनल लॉ होता है या तो वो देश सेकुलर होता है। भारत दोनों चल रहा है, सेकुलर भी है और पर्सनल लॉ भी चल रहा है। हिंदू का अलग कानून, मुस्लिम का अलग कानून, पारसी का अलग कानून, ईसाई का अलग कानून। भारत सेकुलर भी है लेकिन मठ मंदिरों को सरकार चला रही है। ऐसा जो गड़बड़ चला है, इस गड़बड़ को रोकने की शुरुआत, इस गड़बड़ की तैयारी इंदिरा जी ने नहीं किया। इनफैक्ट इस गड़बड़ी को शुरुआत करने की तैयारी नेहरू जी ने कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं नेहरू बड़े अच्छे थे। नहीं नहीं, वो तो मनमोहन सिंह के टाइम में 2G घोटाला हो गया, ये घोटाला हुआ। राजीव गांधी बड़े अच्छे थे, इंदिरा जी तो पूरी दुर्गा थी, नेहरू जी तो पूरे नए युग का शुरुआत किया, नहीं तो यहां तो लोग जो है केले का पत्ता पहन के रहते थे। क्या क्या बात बताते हैं।